अपनी कई मांगों को लेकर किसान संगठन दिल्ली कूच कर रही है। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रही है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, ये रवैया घातक साबित हो रहा है। इस बीच दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के काफी मजबूत इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन की टेंशन बढ़ती जा रही है। इसी बीच शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तकरार भी देखने को मिली। किसान हर कीमत पर आगे बढ़ने को तैयार है, तो पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। शंभू बॉर्डर पर जैसे ही प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़े, उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए, जिससे किसानों में अफरातफरी मच गई। इस बीच किसान आंदोलन पर नरेश टिकैत ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है और इस मामले को संज्ञान में लेने की भी सलाह दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि नरेश टिकैत ने क्या कहा। टीम किसान आंदोलन पे रहेगा या रास्ते जाम पे रहेगा या दिल्ली कूच की रहेगा, तो कम से कम थोड़ी घनी तो जिम्मेदारी सरकार की भी है, इस तरह की मामलों में संज्ञान ले, क्या दिक्कत है, किसी को क्या हुआ है, बातचीत है। तो जो जिद्दी रवैया है नी, ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक साबित होता हो रहा। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए और किसानों तो वार्ता करे। एक अच्छे शासक की तरह थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उन्हें ठीक तरह से निर्णय लेना चाहिए। स्टेट को कुछ सौंपा बात, जो स्टेट की जो कुछ दिक्कत है, इतना जितना सरकार ने खर्चा उठा लिया, जितना जोखिम सरकार उठा रही, इतनी तो कुछ बात भी नहीं। सरकार की भी बात रह जाए, किसानों को भी रह जाए, उनकी बात जो कुछ दिक्कत है उनकी सुने, या उसमें उनके रोकण में अपनी